नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजु शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो डेली रैंकिंग की बारी है और कल सैटरडे के एपिसोड में सलमान खान ने किस किस को दी फुटेज, यानी कि सैटरडे के एपिसोड में यही जरूरी होता है कि सलमान खान किस किस से ज्यादा बातें करते हैं और किसकी बातों को दबा देते हैं, यानी कि बात करना उनसे पसंद नहीं करते हैं, और किसके मुद्दों की होती है चर्चा। तो ये सब होता है सैटरडे के वार में और हम भी करेंगे इसी के बिहाव पे अपनी रैंकिंग जो है डेली रैंकिंग। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंगरी स्पिरिट्स सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे, धन्यवाद। तो शुरू करते हैं नंबर 12 से। तो नंबर 12 पे कश्मीरा शाह को ही रखते हैं क्योंकि आज उनकी वापसी हो जाएगी, इसलिए कल भी वो कुछ ज्यादा नहीं दिखाई दी, हाथ उनका खड़ा था, हाथ खड़ा करके बैठे थे कि मेरे से पूछिए मेरे से पूछिए, मगर सलमान खान ने उनको कोई खास तवज्जो नहीं दी, वो कुछ नहीं बोल पाई। एक आज शायद शुरू में जब एक टास्क के दौरान बातें हुई वहीं पे वो बातें करती हुई नजर आई, मगर सलमान खान की चॉइस से वो बात करती हुई नजर नहीं आई। तो कश्मीरा शाह आती है नंबर 12 पे। नंबर 11 पे है अभिनव शुक्ला। अभिनव शुक्ला को जब बात करने का मौका मिला तो उन्होंने कहा रूबी पहले आप बोलिए। तो अभिनव शुक्ला को क्यों रूबी की बात पहले सुननी है, क्या उनको ये सुनना है कि रूबी क्या कहेगी उसके बाद मैं कहूंगा? तो ये बात जो बाकी कंटेस्टेंट को पसंद नहीं आई, ना ही आई सलमान खान को पसंद। जब टास्क अच्छे से चल रहा था तो आपको उस टास्क का अपने नंबर के हिसाब से जवाब दे देना चाहिए था। तो अभिनव शुक्ला बाकी भी पूरी एपिसोड में जब जैसे कश्मीरा की बात कर रहे थे, जब टास्क होता है तभी उनको बोलते हुए थोड़ा बहुत सुना जाता है, अदरवाइज सलमान खान ने भी कल इनको तवज्जो नहीं दी, इसलिए आते हैं नंबर 11 पे। नंबर 10 पे आ गए हैं राहुल महाजन। राहुल महाजन को जो लास्ट में एक्सपोज किया अर्शी खान ने कि राहुल ने कहा है चैनल के खिलाफ, राहुल ने कहा है सलमान सर के खिलाफ, इसके खिलाफ उसके खिलाफ, तो वहां पे उनकी दोस्त ही कहूंगी मैं अर्शी खान, उन्होंने राहुल की तरफ, राहुल महाजन की तरफ थोड़ा सा ध्यान सलमान खान का बढ़ा दिया। बाकी सब जो छुटपुट ध्यान सलमान खान सबको देते हैं वो तो मिलता ही है सबको, बट एक स्पेशल उनके लिए बात करना वो हो गया लास्ट में, जब सलमान खान ने पूछा कि क्या कहते हो तुम राहुल हम सबके बारे में, चैनल के बारे में, तो राहुल को समझ में नहीं आया कि अब मैं क्या कहूं, तो अर्शी खान ने राहुल महाजन को दिलवाया है नंबर 10। नंबर 9 पे आ गए हैं एजाज खान। जी हाँ, एजाज खान कल बहुत ही खामोश थे, उनको जब पूछा गया तब भी उन्होंने कुछ बोला बट वो भी इतना लंबा नहीं बोल पाए, शायद अपनी ही किसी सोच में डूबे हुए हैं, शायद इसलिए वो नहीं बोल रहे क्योंकि उनसे गाली निकली है और ये बात सलमान खान उनको बोल ना दे और उनको डांट ना दे इस बात पे इसलिए चुप थे। बट एक चीज जरूर कहूंगी कि इतना बढ़िया खिलाड़ी जो खेलता आ रहा है उसको चुप नहीं बैठना चाहिए, उनको बोलना चाहिए, नहीं तो ऑडियंस भी चुप हो जाएगी और एजाज खान को बहुत ज्यादा इसका बुरा लगेगा, यानी कि नुकसान भी हो सकता है। तो एजाज खान को वीकेंड का वार पे भी अपने पॉइंट रखने चाहिए। तो ये है एक चीज जो वीकेंड का वार में जरूरी होती है, अपनी बात कहना, तो बात कहने के लिए हमेशा अपने आप को आगे रखना जरूरी है। तो एजाज खान आते हैं नंबर 9 पे। नंबर 8 पे आ गए हैं दोस्तों अली गोनी। अली गोनी को सलमान खान की तवज्जो नहीं चाहिए भाई, अली गोनी को तो राहुल से ही बातें करनी है, इसलिए सलमान खान भी उनसे थोड़े नाराज हुए कि आप आपस में बातें कर लो, और उसी के चक्कर में उनको फुटेज थोड़ी ज्यादा मिल गई। जब सलमान खान ने कहना शुरू कर दिया कि अली आपके राहुल के साथ कुछ अलग तरह के रिलेशन तो नहीं है, तो अली गोनी को एक तो ये फुटेज मिली, दूसरी निक्की ने भी उनको फुटेज दे दी कि अली जो है, अली ने बाहर सोशल मीडिया पे कहा है और फिर घर के अंदर मेरे ऊपर हंसते हैं, तो ये सारी चीजों ने अली को बाकियों के कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा हाइलाइट्स दे दी। तो अली आते हैं नंबर 8 के ऊपर। नंबर 7 पे आ गए हैं मनु पंजाबी। मनु पंजाबी को सलमान खान ने सामने सामने से घेरा उनकी उस बात के लिए कि आप चाहते थे कि अर्शी और विकास में से कोई बड़ा प्लेयर बाहर चला जाए, और मनु पंजाबी ने भी बड़े अच्छे से अपनी सफाई दी और समझाया कि ऐसा
नहीं है। और भी एक दो बातों के लिए मनु पंजाबी से पूछा गया, इवन ये भी पूछा गया कि अर्शी खान ने कहा था, क्या कहा था, गलत किया था, वो सारी चीजें जो बाकी सबसे पूछी गई मनु से भी पूछी गई, और मनु का जवाब जो था बहुत ही अलग से था। तो मनु पंजाबी जानते हैं क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, बट यहाँ पे कल के वार में काफी हद तक उन्होंने अपने आप को थोड़ी देर के लिए फंसा हुआ भी पाया। तो सलमान खान का वार मनु पे भी चला, तो मनु पंजाबी आते हैं नंबर 7 पे। नंबर 6 पे आ गए हैं राहुल वैद्य। जी हाँ, राहुल वैद्य जो कल नंबर 4 पे थे, यानी कि परसों के एपिसोड में काफी फुटेज मिली थी, मगर वीकेंड का वार में इतनी फुटेज नहीं मिली, मगर फिर भी जितनी भी मिली बाकियों के कंपैरेटिवली ज्यादा मिली। उन्होंने जिस तरह से अली गोनी के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा ली है, और उस दोस्ती का असर जो है दिख रहा है घर पे भी, और सलमान खान ने भी इस असर को जिक्र किया, इस असर के बारे में बात की। तो राहुल की बातें हुई हैं कल के एपिसोड में, राहुल ने फुटेज जनरेट किया है, चाहे उन्होंने किसी के साथ आर्गुमेंट किया हो अभिनव रुबीना के साथ या फिर कुछ और हो, इसलिए राहुल आते हैं नंबर 6 पे। नंबर 5 पे आ गई है राखी सावंत। जी हाँ, राखी सावंत की बात तो बहुत हुई कल के एपिसोड में। एक तो टाइम था जब उनके लिए बिल्कुल नेगेटिव बात हो रही थी, गाली निकाली, और फिर एंड में राखी सावंत के साथ सबकी सिंपथी भी जुड़ गई जब राखी ने रो रो के कहा कि मेरी मुंडी तोड़ दी थी, और वो वाकई में रो रही थी, दिल से रो रही थी, बहुत इमोशनल सा उन्होंने कर दिया, और साथ में लोगों को हंसी भी आ रही थी। तो मिला जुला सा रिस्पॉन्स राखी सावंत को मिला, बट ज्यादा रिस्पॉन्स मिला, इसलिए राखी सावंत आती है नंबर 5 पे। नंबर 4 पे आ गई है अर्शी खान। जी हाँ, वही बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। अर्शी खान और विकास गुप्ता की ही बात चली पूरे के पूरे एपिसोड में, चाहे विकास गुप्ता के लिए बात चली, मगर अर्शी खान को तो उस बात से इग्नोर किया ही नहीं जा सकता। अर्शी खान उठ के चली गई, तब भी उनके लिए जो टास्क था वो पूरा किया गया, जो तमीज की जो डोज थी वो दी गई, तब भी सबने अर्शी खान को दी तमीज की डोज। जी हाँ, तो कहा जा सकता है कि अर्शी खान काफी हद तक एपिसोड पे छाई रही, चाहे वो किसी भी तरह से हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे किसी और तरह से हो, पर अर्शी खान की जिक्र जो थी वो इस एपिसोड में वीकेंड का वार में हुई। अगर विकास गुप्ता होते तो वो शायद ये नंबर ले जाते और अर्शी खान नीचे आ जाती, बट विकास गुप्ता है नहीं, तो अर्शी खान और विकास गुप्ता का जिक्र साथ साथ चला, तो अब अर्शी खान को तो ये नंबर देना बनता ही। तो अर्शी खान आती है नंबर 4 पे। नंबर 3 पे आ गए हैं निक्की तंबोली। निक्की तंबोली ने जिस तरह से अपने मुद्दे को खींच खींच के वीकेंड का वार तक लेके आ गई हैं, तो इससे लगता है कि अब वो वाकई बिग बॉस बाहर से समझ के आ गई हैं और उनको ये बात अपनी इस्टेब्लिश करनी है। निक्की तंबोली ने जिस तरह मनु पे भी शिकंजा कसा कि मनु भी मेरा दोस्त अभी अभी बना है, मगर मुझे वो भी दोस्त नहीं लग रहा है क्योंकि वो मेरे साथ भी बात करता है और बाकी लोगों के साथ भी बात करता है, यानी कि निक्की को पूरा पूरा कब्जा चाहिए अपने दोस्त पे, इसलिए वो उनके लिए स्टैंड लेगी। तो निक्की तंबोली ने अपनी जितनी भी बातें कही काफी क्लियर कही, जो उन्होंने अली पे भी एलिगेशन लगाया बहुत ही क्लियर मुंह पे लगाया, साफ साफ बातों में लगाया, तो निक्की से वैसे भी सलमान खान काफी इंप्रेस भी नजर आते हैं। तो निक्की तंबोली आती है नंबर 3 पे। नंबर 2 पे आ गई है जैस्मीन बसीन। जैस्मीन बसीन से सलमान खान ने बहुत लंबी बात की, उन्होंने काफी हद तक जैस्मीन बसीन को ये समझाया कि आप सही जा रही थी, मगर सही जाते जाते जब लास्ट स्ट्रोक था, जब आप सही बिल्कुल पहुंचने वाली थी, यानी कि विकास गुप्ता के लिए आप स्टैंड लेने वाली थी, वहीं पे आपने अली से सलाह मशवरा कर लिया और आप बैकआउट कर गई। तो सलमान खान ने इन अ वे जैस्मीन बसीन को समझाया कि आप अपनी गेम को अच्छे से खेलिए, आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। वही चीज जो सलमान खान बहुत पहले कह चुके थे अली गोनी को भेजा था कि आपको सपोर्ट लग रही है अली गोनी की, वही अब सलमान खान कह रहे हैं, क्योंकि अब उनको दिख गया कि जैस्मीन बसीन काफी सही खेल रही है, तो उनको अब सपोर्ट नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने अब यहाँ पे ये समझाया कि अपनी गेम खेलो जैस्मीन, आप सही कर रही थी, आप काफी देर तक साथ देती रही, विकास गुप्ता के लिए बात करती रही, बट जब मौका था तब आपने किसी और की सलाह मानी और आप वहां से हट गई। तो ये जैस्मीन बसीन के साथ काफी लंबी कन्वर्सेशन सलमान खान की चली, तो जैस्मीन बसीन इनको काफी फुटेज मिली, तो जैस्मीन आती है नंबर 2 पे।
नंबर एक पे आती है रुबीना दिलायक। रुबीना बोलेगी और कोई नहीं बोलेगा, ये डायलॉग बोला सलमान खान ने, क्योंकि वो चाहते थे कि अब रुबीना जी भर के विकास गुप्ता के बारे में बोले, विकास गुप्ता के लिए ढेर सारी सिंपति दे, बहुत सारा प्यार दे कि मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। और बाद में सलमान खान ये कहें कि रुबीना जी इतना बुरा लगा तो आपने स्टैंड क्यों नहीं लिया, आप तो बहुत सारी चीज़ों के लिए बोलते हुए नजर आते हो बट आप दूसरों के लिए नहीं बोलते हो। तो ये बात अल्टीमेटली सलमान खान ने रुबीना को समझा दी और रुबीना को समझ भी आ गई कि अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी, यानी कि घर में जो भी गलत हो रहा है अगर आपको वो गलत लगता है तो आपको स्टैंड लेना है, ना कि वीकेंड का वार पे आके शोर मचाना है। तो रुबीना को काफी लंबी चौड़ी बात करने का मौका मिला कल वीकेंड का वार में। तो रुबीना आती है नंबर वन के ऊपर। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीकेंड का वार की ये रैंकिंग? ये रैंकिंग टोटली बेस्ड होती है परफॉर्मेंस के ऊपर, उस दिन की परफॉर्मेंस के ऊपर। इसमें फैन फॉलोइंग जिसको पसंद करती है उसको पसंद करती ही करती है, मगर वो पसंद करने वाले करेक्टर का क्या योगदान था कल के या जो भी एपिसोड का हम रैंकिंग करते हैं उसमें, वो जरूर ध्यान में रखा जाता है। ये बात आप प्लीज समझिए। और साथ में ये भी कहूंगी कि कमेंट करने से पहले ये बात समझ के ही कमेंट कीजिएगा कि आखिर इस खिलाड़ी को क्यों हमने रखा है नंबर 9 पे या नंबर 10 पे। अगर आपको लगता है कि जो मैंने कहा है उससे ज्यादा उनको फुटेज मिली है तो मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री रहूंगी। तो देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।